हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप क्लास टेंथ मैथ में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपके लिए तो यह वीडियो बहुत ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो मैंने क्वेश्चन बताया, अगर आपने उन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। पहले दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर 1, हमारा वास्तविक संख्या है चैप्टर 1, ठीक है। तो इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनको मैं बताने वाला हूँ, उनको मैं टिक लगा दूंगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा इस साल जो सिलेबस है ना वो बहुत कम हुआ है, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.2। देखिए दोस्तों, जो नई बुक है उसमें 1.1 एक्सरसाइज हमारी हट चुकी है, 1.2 एक्सरसाइज है ना वो 1.1 हो गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 1.2 पर, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हमारी 1.2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज हमारी 1.2 है, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, देखिए दोस्तों इस साल हमारा सिलेबस कम हुआ है तो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसमें देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, केवल आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके केवल फैक्टर काटने हैं, ठीक है। तो वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसकी जांच कीजिए। जब हम दो संख्या का गुणा करते हैं तो वो HCF गुणा LCM के बराबर आता है, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, और अपना दूसरे का दूसरा पार्ट कर लेना, और हो सके तो अपना तीनों पार्ट को सॉल्व कर लेना, ठीक है दोस्तों। आप अगर एक पार्ट को सॉल्व कर लोगे तो आप तीनों पार्ट को अच्छी तरह से लगा लोगे, ठीक है। तो हो सके तो मेरा ये सजेशन है कि अपना तीनों पार्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेना। अब देखिए दोस्तों, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसी के साथ साथ ये पांचवा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हो सके तो आप सातवां क्वेश्चन भी लगा लेना। तो ये एक्सरसाइज 1.2 के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्वेश्चन को ना रट लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली जो हमारी एक्सरसाइज होगी, देखिए दोस्तों इस तरह के जो सवाल आएंगे, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, उदाहरण नंबर 9। अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। उदाहरण नंबर 9 अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। देखिए दोस्तों, इसमें हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। और जो नई वाली बुक है ना, ये वाली एक्सरसाइज आपको 1.2 में मिलेगी, ठीक है दोस्तों। 1.3 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, देखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये एग्जाम में 100% आते हैं और आएंगे भी, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका अगर हो सके तो सेकंड पार्ट भी आपको सॉल्व कर लेना, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चैप्टर है 2, ठीक है। चैप्टर 1 तो हमारा ख़त्म हो गया, अब चैप्टर 2 है हमारा बहुपद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुपद वाले में हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चलते हैं इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 में। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है, इस तरह से पूछे जाएंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, या एक शून्यक होगा, या दो शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे, या कितने शून्यक होंगे। तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये तो बहुत आसान है, इसमें केवल आपको बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वह शून्यकों की संख्या हो जाएगी। इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। इसने एक्स अक्ष को एक बार काटा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगली एक्सरसाइज उसकी होने वाली है, देखिए दोस्तों, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको अच्छी तरह से आज बता दूंगा, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से तैयार भी कर लेना। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है ना, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले प्रश्न में हमारा तीसरा भाग और चौथा भाग, ये पाँच भाग मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरह से दोस्तों तैयार कर लेना, ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में हमें देखिए दोस्तों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें शून्य दिए जाएंगे और उससे हमें ना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है।
तो इसमें हमारा देखिए दोस्तों दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला भाग और ये तीसरा भाग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दूसरे चैप्टर में हमारे इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा तीसरा चैप्टर है, इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं टिक लगवा दूंगा अभी। अभी देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों हाँ जो ये वाली जो टेबल है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ना दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ये जो टेबल है इसमें तीन केस बन सकते हैं, आपको तुलना करके बताना है कि वो केस प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा या समांतर होगा, ठीक है। अगर वो प्रतिच्छेदी होगा तो रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक ही हल निकलेंगे, एक्स और वाई के केवल सिंगल सिंगल मान निकलेंगे। अगर वो संपाती होगा तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, अगर वो समांतर होगा तो उसका एक भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ना दो क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसकी एक्सरसाइज है हमारा जो उदाहरण नंबर 4 है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। देखिए दोस्तों जब x और y के मान निकल सकते हैं तो उस केस में संगत होगा, अगर x और y के मान नहीं निकलेंगे तो उस केस में असंगत होगा। जो हमारा समांतर वाला केस होता है तो उस केस में हमारा असंगत युग्म मिलता है, और प्रतिच्छेदी और संपाति वाले में हमारा संगत युग्म मिलता है, ठीक है। तो हमें ग्राफ के द्वारा जांच करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये ग्राफ द्वारा हमें जाँच करना है। तो ये देखिए दोस्तों प्रतिच्छेदी वाला इसमें केस बना है तो ये संगत होगा, ठीक है, संगत युग्म होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 4 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे इसमें। हाँ देखिए दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है ना, इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमें अनुपातों की तुलना करके बताना है निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, घोर के पी जाना है, रट लेना है इन क्वेश्चन को दोस्तों। और देखिए दोस्तों इससे जो अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर में पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे, इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए दोस्तों इसमें जो इसी का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है समीकरणों को ग्राफ द्वारा हल कीजिए, और देखिए दोस्तों एक्स अक्ष रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें इसको सॉल्व करना है और हमें त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं और हमें जो त्रिभुज है ना उसको छायांकित करना है। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए दोस्तों जो हमारा प्रतिस्थापन विधि से जो हमारा प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रश्नावली 3.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो हमारा दूसरा भाग है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वाला ही भाग आप कर सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। छठा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन पहले के दूसरा भाग और ये छठा भाग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और हो सके तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। अब देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कई भाग हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पहला भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस क्वेश्चन में जितने भाग हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में ये पहला भाग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसके अगले क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, इस तरह से ये 6 भाग है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ना दोस्तों 6 नंबर में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम वाले, उन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना ही कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, लिखे ले लो दोस्तों, 100% पूछे जाएंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये वाला, ये एज वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये भिन्न वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से नगर में टैक्सी के भाड़े, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब देखिए दोस्तों जो हमारे विलोपन विधि में आता है, उदाहरण नंबर 11, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया था, 6 मार्क्स में दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 6 मार्क्स आपको देने वाला है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रॉब्लम वाले, अच्छी तरह से तैयार कर लेना ही कर लेना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, आगे हमारा है, अब देखिए दोस्तों जो हमारा उदाहरण नंबर 13 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 13, जैसे कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। इस तरह से जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, ये भी 5 से 6 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक्सरसाइज जो हमारी 3.4 है ना, इसमें केवल आपको क्या करना है, विलोपन विधि आपको आनी चाहिए। अगर आपको विलोपन विधि आती है तो ये सभी क्वेश्चन आपको इजीली से हो जाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से पहले एक्सरसाइज से वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, ठीक है। और इस विधि में आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, विलोपन विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब आपको विलोपन विधि आती है तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली से लग जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इनकी ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें भी कई भाग हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, भिन्न वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एज वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस क्वेश्चन इसकी तरह था, जो हमारा उदाहरण नंबर 13 है ना, इसकी तरह है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी क्वेश्चन आप कर लेना। और देखिए दोस्तों, ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे और ये 5 से 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 100% तैयार कर लेना है। जो हमारे प्रश्न नंबर 3.4 है, पहला क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में सभी भाग आपको लगा लेना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, इस क्वेश्चन को भी आपको लगा लेना है, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, अगली एक्सरसाइज आपके सिलेबस से कट गई है, अगली एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। तो उसको आपको नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण। इसमें देखिए हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें केवल आपको जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें केवल इतना ही है, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण पहचानना आना चाहिए, तो आपको केवल इन क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए दोस्तों, आगे इसमें दिया है, हाँ देखिए दोस्तों, ये जो हमारी प्रश्नावली 4.2 है ना, इसमें मैं ना गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसमें आपको ना द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें देखिए दोस्तों, 3रा भाग और ये 4था भाग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना दोस्तों। आपको क्या करना है, 4.2 में आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना आना चाहिए, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्न नंबर 2 को छोड़ के सभी क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए दोस्तों। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, आप स्मार्ट वर्क थोड़ा थोड़ा करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर करोगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए दोस्तों, आगे इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर देख लें, अभी हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे, हाँ जी दोस्तों, जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है ना, ये हमारी हट चुकी है सिलेबस से, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, ठीक है। जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ना द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आना चाहिए, ठीक है, मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले का दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फिर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर 4 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको मार्क लगा दिए हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको मार्क लगा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, घोर के पी जाना है, रट लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, और इस अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।